31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जिस मीरा मांझी के घर पर चाय पी थी, अब नए साल पर पीएम ने उनके घर उपहार भिजवाया है। साथ ही पीएम ने एक पत्र भी भेजा है जिसमें उन्होंने मीरा के घर का अनुभव साझा किया है। पीएम मोदी के उपहार से जहां एक तरफ मांझी परिवार फूले नहीं समा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वाक्य ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्या है इसकी वजह और क्या है पीएम का चाय वाला चुनावी संदेश, इस रिपोर्ट में देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है और अयोध्या में एक बार फिर निषाद राज की चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा की वजह है एक मीठी चाय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निषाद समाज की महिला मीरा मांझी के घर जाकर पी थी। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी अचानक यूं ही नहीं होता, हर दल हर नेता के हर कदम के पीछे एक बड़ा संदेश होता है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को अयोध्या दौरे के दौरान मीरा मांझी के घर पहुंचे, तो इस मुलाकात के पीछे भी एक बड़ा सियासी संदेश था। क्या था वो संदेश, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या का मांझी परिवार एक बार फिर फूले नहीं समा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मीरा को नए साल का तोहफा और बधाई संदेश भेजा है। नए साल के बधाई संदेश के साथ गिफ्ट पाकर मांझी परिवार उत्साहित है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जिस मीरा मांझी के घर पर चाय पी थी, नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री ने मीरा मांझी को कई उपहार भिजवाया है और इस वक्त मैं मीरा मांझी के घर पर हूं। दरअसल अयोध्या का राजघाट का इलाका है जहां पर मीरा मांझी रहती हैं, और देखा जाए तो इस वक्त जो पूरा परिवार है वो काफी खुश है। प्रधानमंत्री की तरफ से मीरा मांझी को ये शुभकामना संदेश भेजा गया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो आपके घर पर मैंने चाय पी, जो समय बिताया थोड़ी देर के लिए, वो काफी अच्छा रहा। मीरा जी क्या क्या है, क्या क्या भिजवाया तुमने? जी वही बच्चों लोग का है, वीर के लिए बैग भेजे हैं, नैना के लिए बैग भेजे हैं, और मेरे छोटे बच्चे के लिए, नैतिक के लिए जो उनका दाढ़ी पकड़ा था वो उसके लिए एक टोपी भेजे हैं बिल्ली वाला, और हाथी भेजे हैं, खिलौना है, मतलब सब बच्चों का ही है, और मेरे लिए कप प्लेट भेजे हैं। आपके लिए कप प्लेट जी, उन्होंने चाय पी थी इसलिए कप प्लेट जी, मेरे लिए कप प्लेट भेजे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, नए साल का शुभकामनाएं दी हम लोग को, बधाई दी। आसपास लोगों की, मतलब मेरे मोहल्ले गांव में जो हैं वो सब लोग बहुत खुश हैं, बोल रहे हैं कि सूरज चलो किसी कारण, मतलब किसी वजह से मान लो आपके घर आए, हमारे गांव मोहल्ले का बहुत बड़ा नाम रोशन हुआ। कभी इतने बड़े मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री जो है, कभी इस मोहल्ले में आए नहीं थे, लेकिन आए, हमको बहुत खुशी। पूरे मेरे गांव मोहल्ले में जितने समाज, मतलब दूर दूर के जो हैं, सब आके हमसे बोल रहे हैं भैया बहुत अच्छा हुआ आपके घर आए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नए साल का उपहार भिजवाया गया है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं, बच्चों के लिए ढेर सारा सामान है, बैट है, मिठाइयां हैं, और देखिए खास बात एक ये भी है कि जिस कप में प्रधानमंत्री मोदी ने चाय उस दिन पी थी, मीरा जी ने उस कप को बिल्कुल संभाल के रखा है, और जो पूजा घर है उस कप को वहां पर रखा है। देखा जाए तो एक गरीब परिवार के लिए कह सकते हैं कि एक सपने जैसा होता है कि देश का प्रधानमंत्री उसके घर पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीरा मांझी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी खुद दिया था, और ऐसा करके पीएम ने त्रेता युग की परंपरा को कायम रखने का संदेश दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सिर्फ पारंपरिक या भावनात्मक मेल मिलाप था, सवाल के जवाब को आंकड़ों के जरिए समझिए। यूपी में निषाद समाज का वोट बैंक 18% के करीब है। प्रदेश की 165 विधानसभा सीटों पर इनकी बहुलता है। गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, वाराणसी में ये प्रभावी भूमिका में है। यूपी के साथ ही बिहार में भी 14% आबादी निषाद की है। आंकड़ों से साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक बड़ी भूमिका में है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये छोटा सा कदम यूपी की 18% और बिहार की 14% आबादी को सीधे प्रभावित करता है। यानी पीएम का एक दौरा न सिर्फ धार्मिक लहजे से बल्कि चुनावी एंगल से भी बीजेपी के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। हालांकि श्रीराम के परम मित्र निषाद राज की तरह निषाद समाज का साथ बीजेपी को मिलता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।